हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ राइम स्कीम, राइम स्कीम होता क्या है और इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। अ राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। ये एक साउंड पैटर्न है जो कि एक सेंटेंस के आखिरी वर्ड्स के रिपीटेशन से बनता है। राइम स्कीम के बारे में जानने से पहले हमें राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। बिकॉज राइम स्कीम डिपेंड्स अपॉन राइमिंग वर्ड्स। और राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? द वर्ड्स विच साउंड सेम, मतलब कि दो वर्ड्स जो कि सेम साउंड करें उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। और राइमिंग वर्ड्स को मिला के राइम स्कीम बनता है। ये आपके सामने राइमिंग वर्ड्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मून सून, लाइट ब्राइट, बॉल फॉल, राइट काइट, रोर फॉर, रॉक चौक। कुछ बच्चे राइमिंग स्कीम निकालते वक्त अल्फ़ाबेट पे फोकस करते हैं, पर ये गलत है। हमें वर्ड्स पे नहीं, वर्ड्स के साउंड पे फोकस करना चाहिए। राइमिंग स्कीम निकालने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि राइमिंग स्कीम निकालते क्यों है। एक पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हमें राइमिंग स्कीम चाहिए, और ये एग्ज़ाम्स में भी ऐसे आता है। एक पोएम का स्टैंजा देकर हमें राइमिंग स्कीम पूछा जाता है और हमें ये बताना है कि उसके राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम निकालते टाइम एक सेंटेंस के फर्स्ट एंड साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर ए से, और सेकेंड साउंड को लेटर बी से, एंड सो ऑन। तो चलिए एक पोएम के एग्जाम्पल से समझते हैं कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपके सामने नीदर आउट फॉर नॉर इन डीप एक पोएम का मैंने एक स्टैंजा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड है सैंड, उसको हम देंगे ए, और सेकंड लाइन का जो आखिरी वर्ड है वे, सैंड और वे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, इसके लिए हम वे को देंगे लेटर बी। उसके बाद आता है लैंड, सैंड और लैंड एक दूसरे से मैच हो रहा है, इसलिए हम लैंड को भी ए देंगे। इसके बाद आता है डे, लैंड और डे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, वे डे मैच हो रहा है यहाँ पे, तो डे को हम लेटर बी देंगे। उसके नेक्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड आता है पास, सैंड वे इसके साथ पास मैच नहीं हो रहा, तो इसको हम देंगे सी। उसका नेक्स्ट वर्ड है हल, सैंड वे लैंड डे पास इन सब से यह मैच नहीं हो रहा, तो इसको देंगे डी। उसका नेक्स्ट वर्ड है ग्लास, हल ग्लास मैच नहीं हो रहा, पास ग्लास यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये हो गया सी। उसके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गर्ल, ग्लास गर्ल मैच नहीं हो रहा, हल गर्ल यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये भी होगा डी। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी सी डी सी डी। तो चलते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है स्टार, इसको हम देंगे ए। सेकंड वर्ड है आर, तो स्टार आर ये दोनों मैच हो रहा है, तो उसे भी देंगे हम ए। और इसका नेक्स्ट वर्ड है हाई, स्टार आर हाई ये दोनों मैच नहीं हो रहा, तो हाई को हम देंगे बी। उसका नेक्स्ट वर्ड है स्काई, हाई और स्काई ये दोनों मैच हो रहा है, तो ये भी होगा बी। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ ए ए बी बी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि राइमिंग स्कीम वर्ड्स के अल्फ़ाबेट से निकलते हैं। कहीं कहीं जगह पे तो ये सही हो जाता है, पर ये हमेशा नहीं चलता। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल था सैंड, उसका राइमिंग वर्ड था लैंड। यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि ए एन डी सैंड का हुआ और लैंड का ए एन डी हुआ, इसीलिए ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। और वे का ए वाई और डी का ए वाई ये दोनों सेम हुआ, इसीलिए ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए। राइमिंग स्कीम ऐसे निकालना गलत है, और ये गलत क्यों है मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल में समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पोएम हाउ डू आई लव दी जो कि सोनेट 43 है, उसका एग्जाम्पल लिया है। तो इसका फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है एवरी डेज, तो इसको हम देंगे ए। और उसका सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट, एवरी डेज और लाइट ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो लाइट को हम देंगे बी। इसका नेक्स्ट वर्ड है राइट, लाइट और राइट दोनों मैच हो रहे, तो इसीलिए ये दोनों हो गए बी। आखिरी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है प्रेज, देखते हैं ये किसके साथ मैच होता है।
राइट लाइट प्रेज, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। एवरी डेज प्रेज, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेज का लास्ट थ्री लेटर है आई एस ई और एवरी डेज का लास्ट थ्री लेटर है ए वाई एस, तो इसको बच्चे सी लिख देते हैं, पर ये गलत है। हम लोगों को अल्फ़ाबेट नहीं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाना चाहिए। जैसा कि एवरी डेज ज साउंड आ रहा है और प्रेज यहाँ पे भी ज साउंड आ रहा है, तो इसीलिए एवरी डेज को हमने ए दिया था और प्रेज को भी ए देंगे। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी पी ए। आई होप यहाँ तक क्लियर है और आप लोगों को आगे राइमिंग स्कीम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि है फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स क्या है? फ्री वर्ड्स एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है दैट डजंट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम। फ्री वर्स पोएम का एक एग्जाम्पल है द रेड विल बैरो बाई विलियम कैरल्स विलियम्स। इस पोएम का कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिपेंड्स को ए, अपन को बी, विल को सी, बैरो को डी, ऐसे करके उसका राइमिंग स्कीम ये बना देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई पोएम का राइमिंग स्कीम नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये एक फ्री वर्स पोएम है। द रेड विल बैरो पोएम के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको कोने में आई बटन पे मिल जाएगा। आई होप राइमिंग स्कीम के ऊपर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग।